Hello children, in this video you will get to know how we can set background of HTML document using CSS. okay, तो CSS की help से हम HTML document के background को कैसे change कर सकते हैं, कैसे set कर सकते हैं, right? So there are five CSS background properties that affect the HTML elements. okay, तो हमारे पास क्या है, five CSS background properties हैं जिनकी help से हम HTML elements की background को क्या कर सकते हैं, set कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज बैकग्राउंड कलर. आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड में इमेज को सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट. रिपीट मींस अगर आपको बैकग्राउंड रिपीट करना है तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट में आप इमेज को अटैच कर सकते हैं, राइट. बैकग्राउंड पोजिशन, ओके, इमेज की पोजिशन जो आप बैकग्राउंड में लगाओगे वो इससे आप सेट कर सकते हैं, राइट. तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इनको हम वन बाय वन प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड कलर. तो सी एस एस की हेल्प से हम एस्टिमेल डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर को कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका, राइट. डॉक टाइप एस्टिमेल मीन्स यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो किस लैंग्वेज में, वो एस्टिमेल लैंग्वेज, राइट. ये किसके लिए होता है डॉक टाइप एचटीएमएल, जो आप लिखते हो ब्राउजर को बताने के लिए होता है, ठीक है. अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बिकॉज इट्स ऑप्शनल, फाइन, ठीक है. यहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस का यूज करें, स्टाइल स्टाइल. अब मैं यहाँ पे बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, फाइन. यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे हम पिंक ले लेते हैं, ठीक है. बैकग्राउंड कलर पिंक, फाइन. नाउ यहाँ पे आप स्टाइल को क्लोज कर दोगे, देन हेड को क्लोज कर दोगे, फाइन. नाउ वी विल स्टार्ट बॉडी टैग. बॉडी टैग के अंदर आपने दे दिया H1, वेलकम टू सी एस एस क्लास या ट्यूटोरियल, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है. H1, फाइन, ओके. यहाँ पे हम एक पैराग्राफ दे देते हैं, दिस पेज हैज, ओके, दिस पेज हैज पिंक बैकग्राउंड कलर, ओके. एक हमने सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया एज अ पैराग्राफ, फाइन. बॉडी एंड देन आपका आ गया HTML, ओके. को सेव कर लेंगे, कंट्रोल एस. आप इसका नेम दे दो C1, C1 दे देते चलो, ठीक है, C1.html, फाइन. नाउ वी विल सी, हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या दिया है, बॉडी बैकग्राउंड कलर दिया है पिंक, फाइन, ओके. सो C1 ओपन विद गूगल क्रोम ब्राउजर से इसको ओपन किया है, लोड हो रहा है यहाँ पर. देखो आगे रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या आया है, बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो गया, पिंक कलर सेट हो गया, फाइन, ओके. तो आपको आपके एस्टिमेल डॉक्यूमेंट या फिर वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करने के लिए जो है आपका वो एट्रीब्यूट एंड उसकी प्रॉपर्टी कैसे देनी है आपको, बैकग्राउंड, ठीक है, कलर, बैकग्राउंड कलर एंड कॉलन. आपको कलर नेम दे सकते हो आप, ठीक है, कलर कोड भी दे सकते हो, ओके, या फिर इसको RGB फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो, फाइन, ओके, ओके. तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड -कलर, इसको इसका जो सिंटेक्स है आपको
एट्रीब्यूट का याद रखना है बैकग्राउंड हाइफन कलर, और यहाँ पे आप कलर नेम भी दे सकते हो, आप कलर कोड भी दे सकते हो। अभी मैंने कलर नेम दिया था पिंक, अभी मैं आपको एक एग्जांपल में कलर कोड दे देती हूँ, और या फिर आप आरजीबी फॉर्मेट में भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कलर कोड, ओके ये मैंने कलर कोड ले लिया है, फाइन। तो बैकग्राउंड हाइफन कलर, फाइन, ये आपने लिया है, ओके कंट्रोल आ गया है विद द हेल्प ऑफ कलर कोड। यहाँ पे हमने क्या दिया था, कलर कोड दिया था, ओके और कलर कोड से आपका क्या आ गया, कलर आ गया। पहले हमने कलर नेम दिया था पिंक, अब हमने कलर कोड दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे, और आप आरजीबी फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हो, तो फाइन। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन, और कॉलन के बाद या तो आप कलर नेम दोगे या कलर कोड दोगे, या फिर आप क्या दोगे, कलर आरजीबी फॉर्मेट में दोगे, राइट। एलिमेंट्स को, एचटीएमएल एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो एलिमेंट स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया H1, ओके क्योंकि मैंने H1 हेडिंग दे रखी है, एंड पैराग्राफ, राइट, पैराग्राफ टैग और H1 को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इसको हम सेव कर लेंगे, फाइन, ओके। नाउ रिफ्रेश इट, को रिफ्रेश करते हैं क्योंकि एक ही फाइल में हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपकी हेडिंग में कलर आया है, और आपके किस में आया है, आपके पैराग्राफ में कलर आया है, फाइन। तो दो ही उसमें कलर आया है, हेडिंग में एंड आपका पैराग्राफ में, राइट। नाउ अब हम चाहते हैं जो हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स है उसमें अलग अलग कलर आए। अभी तो हमने क्या किया था, एक साथ सेट कर दिया था H1 और पैराग्राफ टैग का। अब मैं चाहती हूँ दोनों में अलग अलग कलर आए, तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग उनको बैकग्राउंड कलर देना है, फाइन। तो मैंने H1 को दे दिया रेड, ओके। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पी पी टैग, फाइन, और पी टैग में मैंने दे दिया बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलन येलो, इसको हम दे देते हैं येलो कलर, ठीक है, येलो, फाइन। तो मैंने क्या किया, दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग कलर दिया है, H1 को मैंने रेड कलर दिया है और पैराग्राफ को मैंने क्या दिया है, येलो कलर दिया है, ठीक है, सेव करेंगे। नाउ वी विल रिफ्रेश इट। अब देखो H1 में क्या आया, रेड कलर, और पैराग्राफ में क्या आ गया, आपका येलो कलर। तो आप अलग अलग एलिमेंट्स को भी अलग अलग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, फाइन, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। अब बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज एन इमेज टू यूज एज द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट। आप कंप्लीट पेज के लिए भी क्या कर सकते हो, एज अ बैकग्राउंड इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, या पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट के लिए इमेज को एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, ओके। बाय डिफॉल्ट द इमेज इज रिपीटेड सो इट कवर्स द एंटायर एलिमेंट, लेकिन बाय अगर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी आप बैकग्राउंड सेट करते हो वो इमेज अपने आप को रिपीट करती है और कंप्लीटली वेब पेज को कवर करती है, फाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज देंगे, फाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ आप क्या दोगे, हेड टैग के अंदर स्टाइल, ओके हम ये ऑलरेडी हमने जो प्रीवियस फाइल बनाई थी हम उसी को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम लेते हैं बॉडी, बॉडी टैग, फाइन। अब बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, ये आपको इसका जो सिंटेक्स होता है वो लर्न करना होगा, कैसे होता है, बैकग्राउंड हाइफन इमेज कॉलन, कॉलन के बाद आप दोगे यूआरएल, यूआरएल मतलब उसका डेस्टिनेशन, उसका सोर्स कहाँ पर है, ओके यहाँ पे आप दोगे इमेज का यूआरएल, बैकग्राउंड इमेज सेट हो गई है, ठीक है, पूरे हमारे कंप्लीट वेब पेज के लिए, ओके। तो हमारा क्या था सिंटेक्स, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, ओके कॉलन यूआरएल, और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने इमेज का यूआरएल दे दोगे, फाइन। तो इन दिस वे यू कैन सेट बैकग्राउंड फॉर योर वेब पेज, ओके आप इमेज एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, फाइन, ओके। अब मुझे कंप्लीट वेब पेज पे इमेज नहीं चाहिए, मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पी टैग पर बॉडी की जगह पी टैग लगा दिया, तो मेरी जो इमेज है वो कहाँ आएगी, एज अ बैकग्राउंड पी टैग पे, ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइन, ओके। नाउ यू कैन सी यहाँ पे क्या है, सिर्फ पी टैग में एज अ बैकग्राउंड इमेज सेट होके आती है, ठीक
ठीक है। देखो सिर्फ पी टैग में आ रहा है, हेडिंग में नहीं आ रहा है, कंप्लीट वेब पेज पे नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया था, यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्पेसिफाई कर दिया था। अगर मैं H1 भी जाती हूँ, मान लो H1 भी जाती हूँ, तो H1 भी कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको, फाइन ओके, एंड इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। तो देखो H1 में भी आ गया है और P टैग में भी आ गया। तो ये जो एलिमेंट्स आपने स्पेसिफाई किया है उनका इमेज एज अ बैकग्राउंड आ गया, फाइन ओके। नाउ बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो बैकग्राउंड इमेज होती है वो रिपीट करती है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, ठीक है, बहुत डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप चाहते हो वो या तो हॉरिजॉन्टली रिपीट करे या वर्टिकली रिपीट करे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बॉडी टैग का यूज करती हूँ और बताती हूँ कि अगर आपको हॉरिजॉन्टली देना है तो आप कैसे हॉरिजॉन्टली उसको रिपीट करोगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपने अभी जब बॉडी टैग यूज किया था तो वो कंप्लीट पेज को कवर कर रही थी, और तो दोनों डायरेक्शन में रिपीट हो रही थी, वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी, फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर आपको क्या चाहिए कि आपको हॉरिजॉन्टली उसको रिपीट करना है, फाइन, अपने इमेज को, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज के साथ आप दोगे, यहाँ पे आप बैकग्राउंड रिपीट एट्रीब्यूट का यूज करोगे, बैकग्राउंड रिपीट रिपीट ओके, एंड रिपीट में दोगे आप रिपीट एक्स, एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल रिपीट, फाइन। तो हम सेव कर लेते हैं, नाउ रिफ्रेश, को रिफ्रेश कर लेंगे, तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली रिपीट कर रहा है, फाइन। आपका बैकग्राउंड क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रहा है, फाइन। और अगर आपको क्या करना है, वर्टिकली रिपीट करना है, तो आप यहाँ पे दे दोगे रिपीट एक्स की जगह रिपीट वाई, ओके, हमने रिपीट वाई दे दिया, कंट्रोल एस कर दो, फाइन, एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, तो क्या हुआ, ये वर्टिकली रिपीट कर रहे हैं, ओके, ये वर्टिकली हो गया, ओके। और आप चाहते हो आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना करे, सिर्फ एक ही बार आए, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड रिपीट में क्या दे दोगे, उसकी वैल्यू नो रिपीट, ओके, नो रिपीट, नो रिपीट मींस अब वो सिर्फ एक बार आएगी, वो रिपीट नहीं करेगी। इसको हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो सिर्फ एक बार आई है आपकी बैकग्राउंड इमेज, उसने रिपीट नहीं किया है, ओके, तो नो रिपीट से क्या हुआ, आपकी इमेज क्या है, सिर्फ एक बार आ रही है बैकग्राउंड इमेज। अगर आप बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, उसको इस ऐसी डायरेक्शन में चाहते हो जहां पे वो टेक्स्ट से ज्यादा इंटरफेयर ना करे, आपको टेक्स्ट क्लियरली दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा एक और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड पोजिशन, ठीक है, बैकग्राउंड पोजिशन, फाइन। आपने दिया बैकग्राउंड पोजीशन, जैसे मैंने बैकग्राउंड पोजीशन इमेज की दे दी है, राइट टॉप, मतलब राइट में टॉप पर आए इमेज, और मैं मार्जिन देती हूँ राइट मार्जिन, तो आ गया मार्जिन राइट राइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो मैंने इसकी पोजीशन दे दी कि बैकग्राउंड इमेज नो रिपीट कर दिया, तो एक ही बार आएगी, और उसकी मैंने पोजीशन दे दी राइट टॉप। ऐसे आप बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या कर सकते हो, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इनको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस एंड देन रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, देखो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, उसकी पोजीशन क्या हो गई, राइट टॉप हो गई है, ओके, और राइट से उसका मार्जिन जो हमने दिया था वो आ गया पिक्सल्स में, फाइन, 200 पिक्सल, थोड़ा सा इसको ओके। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो हम इसके अंदर देंगे, वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करती है, इट स्पेसिफाइज वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और बी फिक्स्ड, ओके, या तो क्या आपकी जो इमेज है वो स्क्रॉल करेगी, मतलब ऊपर नीचे जाएगी अलोंग विद द टेक्स्ट, या फिर एक जगह पे फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे हम इसको देंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट एट्रीब्यूट को,
टाइम इसको हम दे देते हैं, फर्स्ट हमने इसको दे दिया फिक्स्ड। ओके अब यहाँ पे जो हमारा ये टैग है, अब ये पेज स्क्रॉल भी करना चाहिए, अभी तो हमने बहुत छोटा सा पेज बनाया है, तो हम क्या करते हैं अपने पेज को थोड़ा सा बिग कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये टैग है इसको हम रिपीट कर देते हैं, कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल सी। ओके इसको हम क्या करते हैं रिपीट कर लेते हैं। ओके कंट्रोल वी 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 कंट्रोल वी 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 इससे क्या होगा इतना आपका पेज हो जाएगा कि वो ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सके। ओके फाइन इतना हमने कर लिया है, ठीक है कंट्रोल वी इतना हमने बॉडी के अंदर दे दिया है, बॉडी टैग हमारा हो गया, ठीक है। ओके लेट अस सी, अब देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पे, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड दिए कि पेज तो स्क्रॉल करे बट वो फिक्स रहे, तो अब इसको हम देखते हैं रिफ्रेश करते हैं पहले, तो रिफ्रेश फाइन तो ये हमारा आ गया है। अब देखो जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपका पेज स्क्रॉल कर रहा है, आपका टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है बट आपकी इमेज फिक्स है। ओके ओके क्योंकि हमने वहां पे एट्रीब्यूट में क्या दिया है फिक्स दिया है, इमेज को हमने क्या कर दिया है फिक्स कर दिया है फाइन, इसलिए वो क्या हो रहा है वो स्क्रॉल नहीं कर रही है। ओके अब यहां से हम क्या है फिक्स्ड को हटा देते हैं एंड स्क्रॉल कर देते हैं, स्क्रॉल कर दिया फाइन, तो अब आपकी इमेज क्या करेगी स्क्रॉल करेगी अप एंड डाउन, इसको सेव कर लेते हैं। ओके नाउ रिफ्रेश रिफ्रेश फाइन, तो देखो अब इमेज भी आपकी स्क्रॉल करेगी अलोंग विद द टेक्स्ट। ओके नाउ वी विल सी हाउ वी कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एस्टिमल एलिमेंट, हम एक एस्टिमल एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके तो इसके लिए हम अपनी डॉक्यूमेंट कर बनाते हैं, ठीक है यहाँ पे मैं लिख दिया डॉक टाइप HTML एंड आई हैव टोल्ड यू डॉक टाइप का क्या मीनिंग होता है, ये ब्राउजर को बताता है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है फाइन। HTML बॉडी, ओके अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ पर्टिकुलर एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज कर रही हूँ, मैंने H1 ले लिया, H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर, ओके H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं ब्लू, ब्लू दे देते हैं, चलो बैकग्राउंड कलर ब्लू फाइन, और हमारी हेडिंग है, हमारी हेडिंग है वेलकम टू CSS क्लास, ओके H1, ओके नेक्स्ट हम देते हैं पैराग्राफ को पी टैग दे दिया, उसके अंदर हमने दे दिया स्टाइल फाइन, स्टाइल में आप बैकग्राउंड कलर दे दो बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को कलर दे रहे हैं फाइन, हेडिंग को कलर दे रहे हैं और पैराग्राफ को कलर दे रहे हैं, कलर कलर आप यहाँ पे इसको दे दो पिंक कलर दे देते हैं पिंक फाइन पिंक कलर। ओके अब यहाँ पे आप कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML stands for hyper text markup language, ओके ये मैंने पैराग्राफ ऐसे ही बना दिया, इसको हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया फाइन, देन वी विल क्लोज द बॉडी टैग ओके एंड देन HTML।
राइट। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एचटीएमएल एलिमेंट्स को बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। फाइन, तो हमने यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का यूज किया है। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, इसको मैं कुछ भी नेम देती हूँ, f1.html इसको नेम दे दिया। फाइन, ओके। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, किसी भी ब्राउजर से कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी कर सकते हैं, और आप इसको गूगल क्रोम से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर से इसको ओपन किया। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारी हेडिंग थी उसमें ब्लू कलर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है। और हमने पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर क्या दिया था, पिंक, तो अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, पिंक कलर। फाइन, तो यहाँ पे क्या किया हमने, पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या दिया, बैकग्राउंड कलर दिया। ओके ओके, अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर नहीं देना है, सिर्फ कलर देना है। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट कलर देना है। तो यहाँ से आप क्या दोगे, बैकग्राउंड को मैंने हटा दिया, कलर एट्रीब्यूट का मैं यहाँ पे यूज करूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का कलर देना है। राइट, टेक्स्ट का कलर देना है। तो मैंने क्या किया, H1 स्टाइल में कलर आपका ब्लू है, ओके। एंड पी में आपने क्या दिया है, मतलब पैराग्राफ में आपने क्या दिया, कलर, टेक्स्ट कलर आपने दिया है पिंक। फाइन, इसको हम सेव कर लेते हैं, ओके, कंट्रोल एस, सेव। फाइन, ओके, नाउ यू सी द रिजल्ट। यहाँ पे देखो हमारा ब्लू कलर आ रहा है टेक्स्ट कलर, एंड इसका पिंक आ रहा है। पिंक बहुत लाइट सा लग रहा है, तो हम इसका रेड कर देते हैं, पिंक की जगह रेड कलर ले लेते हैं, रेड, रेड, सेव, एंड देन रिफ्रेश। ठीक है, देखो रेड कलर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये टेक्स्ट कलर दिया है, किस कलर एट्रीब्यूट को यूज करके। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया, कलर एट्रीब्यूट का यूज किया है, कलर ब्लू H1 के लिए, एंड कलर रेड पैराग्राफ के लिए।